दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाली सागरनाका चौकी अंतर्गत ग्राम इमलिया में रहने वाले लखन की मौत हो जाने के बाद उसके परिजनों के द्वारा दत्तक पिता परिवार पर इसके लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं दत्तक पिता परिवार पप्पू पटेल का साथ ही परिजनों का कहना है कि अज्ञात कारणों के चलते ऐसा हुआ है। इस मामले को लेकर के जहां जिला अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना रहा, वहीं सागरनाका चौकी में पहुंच करके भी परिजनों के द्वारा इस मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। मालूम हो कि मृतक का एक माह पूर्व ही विवाह हुआ था। वहीं इस तरह की स्थिति निर्मित होने के बाद लड़की के मायके पक्ष यानी दामाद की मौत के बाद उनका भी रो रो कर बुरा हाल बना रहा और उन्होंने विभिन्न तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फांसी लगाई गई है उनकी। कौन लगवाई है? चाचा ने, पप्पू कुर्मी ने फोन लगाया है यहीं आओ काम करने। किस बात को लेकर फांसी लगाई है उन्होंने? पता मालूम नहीं हमको, घर ही नहीं गए हैं वो। आपको क्या बताया उन्होंने, कभी बताया कुछ? कुछ नहीं। तो पैसे से थी या कुछ जेवर क्या था आपको? जेवर ले गए सब जितना था। कहाँ ले गए? घर अपने खुद के। क्या कह रहे थे? कह रहे थे दोनों को जान से मार देंगे। तो मालूम नहीं, हम शादी को गए थे मौसी के यहाँ, जब भी कह रहे थे कहते हमें मतलब नहीं है, पत्ता कट गया है यहीं। हमें तो सुबह पता चली आज। आपको आप क्या लग रहा है कि कैसे घटना घटी उनके साथ? हमें नहीं है मालूम। किसी पे शक है आपको? किसी पे शक है? चाचा पे, पप्पू चाचा पे। उन्हीं ने बुलाओ तो, उन्हीं ने बुलाओ तो फोन लगाते बेर बेर को। क्या कहते हैं? बेरोवाई लगने हैं ते आओ, जरेटा काटने जाना है पहाड़ में, और कुछ नहीं बताया मुझको। फांसी लगा दी, ओताई काम कराते वहीं पर रहते थे बेचारा। फांसी क्यों लगा दी? मालूम नहीं। उन्हें लगाई है किसी? लगा दी है? उन्हें लगाई है कि लगा दी गई है? क्या हुआ सर? हमारे ग्राम पट्टी बड़गान तहसील रहली जिला सागर से हमारे रज्जू नाम की लड़की इमलिया गांव डांगी इमलिया बांसा के यहाँ पर, वो वहाँ पर शादी हुई थी एक महीना पंद्रह दिन पहले। उसमें क्या हुआ सर, उसके जो उनके पति हैं उनने फांसी लगा ली, और वो जे हैं कुर्मी समाज के पप्पू कुर्मी, इनके यहाँ पर वो काम करते थे, इनके यहाँ पर भैंसे बनी थी, और इनने रात में हमने इनने फ़ोन लगाया, घटना घटी है 7 बजे, और इनने बताया हमें 9 बजे फ़ोन लगा के, वो उनने इनने नहीं बताया, इन्हें जब बताया कि वो भर्ती हैं अस्पताल में। तो इनको जो परिजन के थे डेरन पटेल और चंदन पटेल भी आए यहाँ पर अस्पताल, उन्हें अस्पताल पूरे अस्पताल में ढूंढा मगर वहाँ पर कहीं नहीं मिली। इनने जानी बोली कि उनने फांसी लगा ली। फिर इनको जब हमने फ़ोन लगाया कि हम माननीय मंत्री गोपाल भार्गव ने आदेश किया है और हम बीरन यादव बोल रहे हैं और आप सही बताओ क्या घटना घटी, तो इनने बोला कि उनने फांसी लगा ली है। इनने बताया करीबन हमें 10 बजे। उसके बाद फिर जो जे भी इनके यहाँ पर काम करते थे मगर जे रात में यहाँ पर साथ नहीं रहे, न यहाँ पर उनके पास आए, और यहीं पर इनके तो भगाई करते थे। और इनने जो चीज़ें चढ़ाई थी, 4 चीज़ें चढ़ाई थी इनने, पायलें करधोनी जो शादी करवाई थी इनने 2-3 दिन 4 दिन पहले वो वापस ले ली बच्ची से। और अब इनसे सर पूछे क्या है इनको और ये बताएंगे आपके कहाँ कैसे है बताते हैं। हमारे पास रह तो लड़का ने भगाई बैत तो ने कछू ऐसे ही रह तो सो हमने शादी सब जनों के सम्मत से शादी करवाई उनके घर वालों के,
ऐसी नहीं कि हमने खुदाई ने कर लिया है, बच्चे को भी लुवा गए उसकी पसंद की शादी भाई। शादी होने के बाद घर वालों ने कहा कि बच्चा यहीं रहेगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब तो शादी हो गई तो घर ही रहेगा, तो वो अपने घर रहे तो हमें और कोई जानकारी नहीं। तो मैं चीज़ें वस्तुओं की है, चीज़ें वस्तें कई जनों को पता है कि भाई दूसरे की हती, हमारी भी नहीं थी, तो अपन ने उतनी शोभा रूपी के लाने अत्कार नहीं कर दी थी। और तो चीज़ें हती शोभा रूपी के लाने और अत्कारी कर दी थी, पर जब सामने वाले ने वापस मंगाई तो अपन ने वापस दे दी। डीलर आपने कल झूठ क्यों बोला? कल कैसा कल आप बताओ ना, कैसा झूठ आपने डीलर भाई को चलना पड़ा, आपने गुमराह क्यों किया? हमने बिल्कुल नहीं किया किसी को गुमराह। आपका नंबर लास्ट में है नंबर 61, किसका नंबर लास्ट में 61? अरे हमारा नंबर होगा, बाकी हमने किसी को गुमराह नहीं किया है। कल रात में लखन पटेल पिता रामदास पटेल उम्र 19 साल निवासी मलिया लांजी का है, कल रात में इसने 8 बजे के समथिंग फांसी लगा ली थी घर में, जो इलाज के लिए भर्ती हुआ था अस्पताल में, जो थाने में पता चला कि इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इसकी पत्नी रजनी पटेल ने शिकायत की है कि इसके चाचा मतलब चाचा और इनका विवाद हुआ था। जाँच चल रही है, जैसे जाँच के आधार पर जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। आरोप किस पे लगा रहे हैं सर? उसका जो सगा चाचा है लखन पटेल का, पप्पू पटेल, उस पे आरोप लगा रहे हैं सर। पोस्टमार्टम भी हो गया? हाँ, पोस्टमार्टम पीएम वगैरह सब कार्रवाई हो गई, मर्गेंट निवेश भी हो गया। अब जैसे जांच के आधार पर जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इनका एक्चुअल में इनको ये पता नहीं, इनको ये लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनको बता दिया गया है कि मार्केट इंटीमेशन हो गया, उसके बाद जांच चल रही है, जो भी कार्रवाई होगी उसके आधार पर गई, वो संतुष्ट हो गए, उनको समझ में आ गया कि कार्रवाई चल रही है। सर आरोपी को भी अभिरक्षा में ले लिया गया? हाँ, आरोपी को भी पूछताछ के लिए ले लिया गया। सर प्रथम दृष्टया क्या मामला था? प्रथम दृष्टया विवाद पर से फांसी लगाना प्रतीत हो रहा है, बाकी जैसा भी जाँच के आधार पर जो सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।